हाय गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ सेंट्रल म्यूज़ियम में, नेशनल म्यूज़ियम में। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते टाइम आपको मास्क की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। मास्क आप पहन सकते हो, मैं तो मास्क निकाला है मैंने वीडियो बनाने के लिए। और पास में टिकट का शायद 20 रुपया चार्ज है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कटवाया। तो अब मैं अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सारा ये सेंट्रल म्यूज़ियम कैसा है, नेशनल म्यूज़ियम जो है वो कैसा है। और स्टार्टिंग में आओगे तो बैग आपको जमा करनी पड़ेगी, नंबर आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि 54 परसेंट में सारा एंट्री करने के बाद, कोई आईडी आपको दिखाने के बाद, और उसके बाद जमा करना पड़ेगा। तो चलो, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। कल्चर का सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है यार। ICC इंडिया 2022 में इसका टैग भी लगा दिया गया है। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जितने भी कल्चर का चीज़ होता है सारा चीज़ यहीं से ही टैग लग के, मतलब जो भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो, आगे क्यों बजाना चाहते हो या फिर कल्चर के तरीके अगर अपनाना चाहते हो, तो आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. ये जो आप देख रहे हो, ये है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के जैसे एंट्री आप करोगे तो फर्स्ट यहाँ पे एक LED पे लिखा गया है, पहली मंजिल पे ये है, बहुत कलाकृति है। उसके बाद दूसरी मंजिल पे आपको कुछ और है, तीसरी मंजिल पे कुछ और है। तो सारा चीज़ इस पर दिखाया गया है। और ये ग्राउंड फ्लोर का जस्ट एक, जो देख रहे हो यहाँ पे, जस्ट सामने वाला एक मंदिर दिखाई देगा, बहुत अच्छा। इसके पास में रिसेप्शन वाले सब लोग बैठते हैं, जो वर्कशॉप वगैरह कराते हैं। कलाकृति का एक ऑडिटोरियम भी है। और ये जो जितना भी सारा यहाँ पर बुक रखा है, सब पढ़ सकते हो, खरीद भी सकते हो। मतलब एंट्री करने का जस्ट राइट हैंड साइड का सारा नज़ारा है। और ये जितने भी मूर्ति आप देख रहे हो, सब पुराना मूर्ति हैं, जो कि जैसे भी हैं किताब वगैरह मूर्ति, सारा चीज़ इस पर रखा गया ताकि आप ख़रीद भी सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। जस्ट अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर के हड़प्पा सभ्यता में। भाई, एंट्री करने के बाद क्या नज़ारा है, बहुत ही भीड़ लगती है। जो पुराने लोग यहाँ पे जो जो चीज़ के आविष्कार करके गए हैं, और जो पुराने लोग पहले यूज़ कर रहे थे, ये साइड में जो आप देख रहे हो छोटे छोटे पत्थर की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये सारा चीज़ उनके यूजेबल में काम आता था। और ये मैप है, पहले वाला मैप सामने जो बच्चे देख रहे हैं, मतलब कि बहुत ही भीड़ होता है। और साइड में जो ये पता नहीं किनकी मूर्ति है, बहुत सारे लोग ये देख रहे थे शायद, मुझे नहीं पता। और इनके पास पास में ना एक पोस्टर चिपकाया गया है, इनके बारे में भी बताया गया है। आप आओ तो यहाँ पे हर एक पोस्टर का फोटो लेके, और आप जान सकते हो पहले की सुराही है, पहले कैसे क्या क्या चीज आविष्कार हुआ था। ये देखो, ये मतलब क्या डिजाइन यार, सारा शीशा में पैक करके रखा गया ताकि कोई टच ना करे इसे, और सेम जैसे कि तैसे रहेगा, लाइन बाय लाइन हर एक चीज। छोटा छोटा मग्गा है, सुराही है, कप है, उसके बाद मतलब क्या क्या सारा चीज रखा है, पहले में जो जो चीज यूज हुआ, जो जो चीज आविष्कार हुआ था। ये थाली, मटका, डलिया आपने देखा होगा पहले TV वगैरह में, देखोगे सेम ऐसा ही रहता है ये सब। और जस्ट इसके पास में ये है, ये छोटे छोटे चीज हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज है, सारा चीज यूज में आता है, आज के डेट में हम यूज इसे करते हैं। मैंने लाइन बाय लाइन सारा चीज मैंने दिखाया है, एक एक चीज, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। माला वगैरह ये देख रहे हो, सब जो जड़ी बूटी का माला बनता है, पहले क्या था, कटोरा, कप, लोटे, सब मटका, सारा चीज मिट्टी का। और ये पुराना बिल्डिंग पर पुराना ऐसे ही दिखाई देता है, देखो स्ट्रक्चर जो डिजाइन हुआ था, इसका मैप वगैरह पहले का मैप ऐसा ही था। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अभी जो आप जितना मैं दिखा रहा हूँ आपको, सारा अंदर का, ग्राउंड फ्लोर के अंदर का है।
और सेकंड वीडियो में जस्ट इसका ही सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के बारे में। कुछ पार्ट इसमें सेकंड फ्लोर का भी है। देखो जो भी देख रहा हूँ अभी ये हड़प्पा सभ्यता का ही है। अब मैं अंदर जाऊंगा, अंदर ये पता नहीं ये कौन सा सभ्यता, शायद गुप्तकालीन का था इसमें जो नहीं हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही आप जाओगे तो उसमें गुप्तकालीन वगैरह का जो जो चीज पहले मूर्ति बना था सारा चीज जैसे भी डिजाइन हुआ है सब इसमें एक एक चीज को बताया गया है। ये है गुप्तकालीन। देखो जैसे मैंने बताया ना गुप्तकालीन का था, जितने भी गुप्तकालीन में मूर्ति बनाया गया था जैसे जैसे लोग थे जो जो मूर्ति नेशनल म्यूजियम नाम का नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो गुप्तकालीन काल कला है जो गुप्तकालीन में कला जो जो चीज डिजाइन किया गया था मूर्ति गणेश भगवान का उसके बाद जो जो मूर्ति है मतलब सबके पास पास में सबके नाम लिखा गया कि क्या है कितने फीट की मूर्ति है कितने फीट का क्या है कितने इंच का है कितने लंबाई इसकी कितनी चौड़ाई इसकी कौन से मंजिल पे ये रखा गया था सारा चीज इसमें डिजाइन करके क्योंकि यहाँ पे लोग आते थे फोटो खिंचवाते थे। बताने को तो मैं सबके बारे में एक एक चीज बोल बोल के बताता लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब चीज दिखाया है बस। मैंने आपको आप आओ यहाँ पे और देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर ही देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इसके सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का नजारा, उसमें और भी अच्छा जो भी कपड़ा वगैरह है वो सब चीज इसमें दिखाया गया है। चलो वीडियो को समाप्त करते हैं।